नमस्ते क्रिएटर्स, आइए YouTube शॉर्ट्स फंड के बारे में बात करते हैं, जहां आप YouTube पार्टनर कार्यक्रम में शामिल हुए बिना अपने शॉर्ट्स से पैसे कमा सकते हैं। हम आपको बताएंगे कि शॉर्ट्स फंड क्या है, इसमें कौन हिस्सा ले सकता है और पेमेंट कैसे मिलती है। आइए जाने, सबसे पहले जानते हैं कि शॉर्ट्स फंड क्या है। YouTube शॉर्ट्स फंड एक 10 करोड़ डॉलर का फंड है, जिसे 2021 और 2022 के दौरान जरूरी शर्तें पूरे करने वाले क्रिएटर्स में बांटा जाएगा। आप हर महीने इस फंड में 100 से लेकर 10,000 डॉलर तक का शॉर्ट्स बोनस पा सकते हैं। यह आपके चैनल पर एक महीने में शॉर्ट्स पर आने वाले व्यूज और आपके दर्शकों की लोकेशन जैसी परफॉर्मेंस मैट्रिक्स के आधार पर तय की जाती है। शॉर्ट्स बोनस पाने का हकदार कौन है? YouTube पर ओरिजिनल शॉर्ट्स बनाने वाले क्रिएटर्स बोनस पा सकते हैं। ये बोनस वे क्रिएटर्स भी पा सकते हैं जो YouTube पार्टनर कार्यक्रम में शामिल नहीं है। हम हर महीने हजारों क्रिएटर्स से इस आधार पर संपर्क करेंगे कि उनके चैनल के शॉर्ट्स वीडियो की परफॉर्मेंस कैसी रही। शॉर्ट्स पर आपकी परफॉर्मेंस देखने के लिए सिर्फ शॉर्ट्स वीडियो बनाए जाने के महीने में उस पर आए व्यूज नहीं गिने जाएंगे, बल्कि उन पर हर महीने आने वाले व्यूज के आधार पर परफॉर्मेंस तय की जाएगी। जरूरी शर्तें हर महीने अपडेट होती है, इसलिए अगर आप किसी महीने में बोनस के हकदार नहीं बन पाते हैं तो अगले महीने बन सकते हैं। इसलिए शॉर्ट्स के लिए नया कंटेंट बनाते रहे। किसी भी चैनल को शॉर्ट्स बोनस दिए जाने की सूचना देने से पहले हम उसकी समीक्षा करते हैं। बोनस का हकदार बनने के लिए ये शर्तें पूरी करना जरूरी है। आपके चैनल से पिछले 180 दिनों में YouTube पर एक ओरिजिनल शॉर्ट्स वीडियो अपलोड किया गया हो, आपका कंटेंट हमारे कम्युनिटी दिशा निर्देशों, कॉपीराइट और कमाई करने से जुड़ी नीतियों का पालन करता हो, ऐसे चैनल बोनस के हकदार नहीं होंगे जिनमें किसी अन्य थर्ड पार्टी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के वॉटरमार्क या लोगो वाला कंटेंट अपलोड किया गया हो। ऐसे किसी भी वीडियो को बोनस का हकदार नहीं माना जाएगा जिसे फिर से अपलोड किया गया हो और जो ओरिजिनल ना हो, जैसे कोई बदलाव किए बिना किसी फिल्म या टीवी शो के क्लिप अपलोड करना। आप एक ऐसे देश में हो जहां गूगल ने यह योजना लागू की हो। आपकी उम्र इतनी हो कि कानून के तहत आपको अपना खाता खुद मैनेज करने के काबिल माना जाए। अगर आपकी उम्र तय की गई कानूनी उम्र से कम है तो आपने गूगल खाता इस्तेमाल करने के लिए अपने माता पिता या कानूनी अभिभावक की परमिशन ली हो। अब देखते हैं कि अगर आप बोनस पाने के हकदार हैं तो क्या होगा। सबसे पहले आपको अपने शॉर्ट्स बोनस पर दावा करना होगा। अगर आप बोनस पाने के हकदार हैं तो आपको YouTube से हर महीने 8 से 10 तारीख के बीच एक ईमेल और सूचना मिलेगी, जिसमें आपसे बोनस पर दावा करने के लिए कहा जाएगा। दावा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि महीने की 25 तारीख तक बोनस पर दावा न किया जाए तो उसकी समय सीमा खत्म हो सकती है। ध्यान रहे कि आपको हर महीने उस शॉर्ट्स बोनस पर दावा करना होगा जिसके आप हकदार हैं। शॉर्ट्स बोनस पर दावा करने के लिए आपको दो काम करने होंगे, शर्तें स्वीकार करना और अपने चैनल को किसी एक्टिव एडसेंस खाते से जोड़ना। अगर आपका YouTube चैनल पहले से ही किसी एडसेंस खाते से जुड़ा है तो आपको सिर्फ शर्तें स्वीकार करनी होगी और आपके बोनस पर आपका दावा सही माना जाएगा। अगर आपके चैनल को किसी भी एडसेंस खाते से नहीं जोड़ा गया है तो आपसे कोई मौजूदा खाता जोड़ने या नया खाता बनाने के लिए कहा जाएगा। इस प्रोसेस में मदद करने के लिए आपको ईमेल या YouTube नोटिफिकेशन भेजा जाएगा। किसी एडसेंस खाते को आपके चैनल से जुड़ने में कुछ दिन लग सकते हैं। प्रोसेस पूरी होने के बाद हम आपको ईमेल भेजकर यह जानकारी देंगे कि बोनस पर आपका दावा मान लिया गया है या नहीं। शॉर्ट्स बोनस पर दावा करने के बाद आपको पेमेंट कैसे मिलेगी? अगर आपको कुछ समय पहले ही एडसेंस से पेमेंट मिली है तो अगले महीने की 21 और 26 तारीख के बीच आपको अगली पेमेंट मिलेगी। उदाहरण के लिए, अगर आपने अगस्त में शॉर्ट्स बोनस पर दावा किया है तो आपको उसकी पेमेंट सितंबर में मिलेगी। अगर आपको पहले कभी एडसेंस से पेमेंट नहीं मिली है तो आपको अपनी पूरी पेमेंट इन्फॉर्मेशन, बैंक अकाउंट नंबर, बैंक का नाम देनी होगी
ध्यान दें कि इस प्रोसेस में कई महीने लग सकते हैं, लेकिन अगर आपने बोनस पर दावा कर लिया है तो पेमेंट जारी किए जाने तक आपका बैलेंस एडसेंस खाते में ही रहता है। जब आपका एडसेंस खाता पेमेंट पाने के लिए पूरी तरह से सेट हो जाएगा तो आपको महीने की 21 से 26 तारीख के बीच पेमेंट की जाएगी। अगर आप किसी MCN या नेटवर्क का हिस्सा है तो आपके शॉर्ट्स बोनस का पेमेंट भी वे ही करेंगे। आइए एक उदाहरण के साथ शॉर्ट्स बोनस पेमेंट की टाइमलाइन को फिर से समझें। मान ले कि अगस्त में शॉर्ट्स की परफॉर्मेंस के आधार पर आप बोनस के हकदार हैं। आपको सितंबर की शुरुआत में सूचित किया जाएगा कि 25 सितंबर तक आप अपने बोनस पर दावा कर लें। जब आप बोनस पर दावा करने के चरणों को पूरा कर लेते हैं तो आपको एडसेंस से पेमेंट मिलने तक इंतजार करना होगा। अगर आप पेमेंट पाने के लिए प्रोसेस पूरा कर चुके हैं तो बोनस पर दावा करने के बाद महीने की 21 और 26 तारीख के बीच आपको पेमेंट मिलेगी। यहाँ आपने सितंबर में बोनस पर दावा किया है, इसलिए आपको अक्टूबर में पेमेंट मिलेगी। अगर आपने एडसेंस में पेमेंट की पूरी जानकारी नहीं दी है तो इन चरणों को पूरा करने के बाद ही आपको पेमेंट मिलेगी। और याद रहे कि यह प्रोसेस हर महीने दोहराया जाएगा। YouTube शॉर्ट्स फंड हमारे सफर का पहला कदम है, जिससे क्रिएटर्स को अपने शॉर्ट से पैसे कमाने में मदद मिलेगी। हम समय समय पर अन्य देश और सुविधाएं भी जोड़ते रहेंगे, इसलिए संपर्क में बने रहे। हमने अभी जो जानकारी दी है उसके बारे में ज्यादा जानने के लिए ब्योरे में दिए गए लिंक को देखें। एक शानदार शॉर्ट्स कम्युनिटी बनाने में मदद करने के लिए और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।